चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर उदयपुर से मिल रही है। आपको बता दें, ओडा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में एटीएस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, 1773 पन्नों की चार्जशीट को पेश किया गया है। ब्लास्ट के मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 11 को सेशन कोर्ट और 1 को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया है। मामले में 47 लोगों को गवाह बनाया गया है। दस्तावेज 260 और 86 आरोप पत्र इसमें शामिल हैं। एटीएस एएसपी अनंत कुमार ने इस मामले की जांच की है। तो ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ चार्जशीट में है? अहमदाबाद रेल लाइन पे ओड़ा ब्रिज बना हुआ है, जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था और डेटोनेटर से इस ब्लास्ट को किया गया था। उसको लेकर एटीएस की टीमें जांच कर रही थी, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील था। तो एटीएस के साथ में एसओजी और एनआईए की टीम भी इस जांच के लिए मौके पे आई थी, लेकिन बाद में ये स्थानीय लोगों के द्वारा जो कि रेलवे में भूमि आवाप चुकी थी और उनको मुआवजा नहीं मिला था, उसी के चलते ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, ये बात सामने आई थी। तो उसको लेकर एटीएस की टीम ने एक लंबा अनुसंधान किया और आज अपनी चार्जशीट एटीएस ने सेशन कोर्ट में जमा करा दी। उसके साथ ही करीब 1700 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट बताई जा रही है, जिसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 11 को सेशन न्यायालय में पेश किया गया और एक अपचारी था जिसे किशोर न्याय कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा 47 गवाहों को गवाह जो है वो इस पूरे मामले में बनाए गए हैं, 660 दस्तावेज इस चार्जशीट में शामिल है और 86 आरोप पत्र भी शामिल किए गए। तो साफ कहा जा सकता है कि एटीएस ने पूरी तैयारी के साथ में इस चार्जशीट को जमा कराया। एटीएस के एसपी अनंत कुमार ने पूरे मामले में अनुसंधान किया था और उन्हीं के नेतृत्व में आज टीम कुछ देर पहले सेशन कोर्ट पहुंची और वहां पे चार्जशीट को जो है वो दाखिल किया गया और अब इसकी मामले में सुनवाई जो है वो शुरू होगी। चलिए, शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए।